अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरा कॉफ़ी पीने को दिल किया तो मैंने जो सा कॉफ़ी ब्लेंडर का ऑर्डर दे दिया और ये देखें कॉफ़ी ब्लेंडर आ गया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको खोल के देखूंगा। अब ये देखें कॉफ़ी ब्लेंडर जो सा वो इसके अंदर एक बटन है और ये बटन को मैं ऑन करूंगा तो ये कॉफ़ी ब्लेंडर चल पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये इस वक्त चल रहा है। तो जब इसको मैंने देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम खुद इसको तैयार कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको खुद बनाने का सोचा। उसके लिए मैंने कुछ सामान लिया, कुछ मेरे पास पड़ा हुआ था सामान। इसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे, मैंने स्टील की वायर ली है, एक स्प्रिंग लिया है, ठीक है, स्टील की वायर लगाई है, उसके आगे जॉइंट लगाया हुआ है मोटर के साथ, डीसी मोटर यूज़ की है। स्प्रिंग जो सामने लिया हुआ है, ये स्प्रिंग मैंने लगाया हुआ है, पेन में से निकाला हुआ है, ठीक है, ये पेन का स्प्रिंग है, और डीसी मोटर लगाई हुई है, इसके साथ सर्किट है, और ये जो सा हमारी बैटरी है जो इसके अंदर आ जाएगी, ये सर्किट आ जाएगा ऊपर, ऊपर ये बंद हो जाएगा इस तरह से। अब ये मैं इसको बटन को ऑन करूँगा तो ये हमारा जो सा ना ये कॉफ़ी ब्लेंडर जो सा चलना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखें ये मेरा कॉफ़ी ब्लेंडर चल रहा है। अभी मैं इसके सर्किट जो सा ये इसके अंदर फिक्स करूँगा। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान था। ये देखिए अब मैं आपको चार्जिंग वायर इसकी लगा के दिखाता हूँ कि इसको हम चार्ज करके चला सकते हैं। और जो सा ये कॉफ़ी ब्लेंडर था इसके अंदर सेल डलते हैं, इसके अंदर ये पीछे सेल का ऑप्शन है, ये मैं खोलूँगा, इसके अंदर सेल डालूँगा, फिर जो सा इसको चलाऊँगा। लेकिन ये जो मैंने खुद तैयार किया है ये थोड़ा सा यूनिक है, इसके अंदर मैंने सेल एक रख दिया, ठीक है, सेल चार्ज करूँगा मोबाइल की केबल वायर के थ्रू, मैं इसकी इसका सेल चार्ज करूँगा और इसको जो सा मैं चला सकता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं फ़िक्स करूँगा, उसके बाद मैं आपको इसका प्रॉपर जो सा तैयार करने के बाद इसका एक व्यू मैं आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा ये किस तरह की है। अभी मैं आपको चला के आपको दिखा देता हूँ एक मरतबा। फिर ये देखें ये मैंने पीछे चार्जिंग लगाई है इसके और ये मैंने चला के देखा है। अब ये देखें ये मेरे ख्याल से ये जो सा कॉफ़ी ब्लेंडर मैंने परचेज़ किया है ये उससे ज़्यादा अच्छा है और इसकी स्पीड भी ज़्यादा है।